आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी में झगड़े, शादी के बाद में विवाद, ये रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? क्या वशीकरण जैसी कोई चीज होती है? बहुत जगह भटक चुके हैं, कितने सारे तांत्रिकों से मिल चुके हैं, क्या वशीकरण होता है? वशीकरण से किसी को अपने वश में किया जा सकता है? कब से शुरू हुआ था वशीकरण और वशीकरण का क्या तरीका है? कोई पंडित पुजारी कर सकता है, तांत्रिक मांत्रिक कर सकता है, या सच में प्यार में, रिश्तों में वशीकरण की कोई जगह होती है? और अगर हाँ तो कैसे किया जा सकता है? क्या इसे घरेलू तरीके से, सरल तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में किया जा सकता है? हाँ तो चलो जान लेते हैं इस बात को पूरी तरीके से। सब कुछ बिखर चुका था पर मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था। तो आइए और जुड़ जाइए आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी, सिद्ध ज्योतिष गुरु, विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार में आ रही समस्याओं में, रिलेशनशिप में आ रही समस्याओं में, शादी के बाद आ रही समस्याओं में, शादी होने में आ रही समस्याओं में समाधान का एक अद्भुत नाम है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो काम कर रहे हैं गुप्त काम है, सबके सामने सबकी बात नहीं कर सकते। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है सामने आकर के अपनी बात कहने में या बताने में, हर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी बात सबके सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखने में। उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ नहीं जाते हैं आपके लिए जो आपको अपनी बात आके बताते हैं। आप जरा सोचना, विचार करना, क्योंकि हम अपने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो अपनी बात किसी और के सामने नहीं रखना चाहते। हम गुप्त तरीके से ही काम करते हैं मैक्सिमम। जो लोग चाहते हैं कि आपके सामने हम रख सकें, उन्हीं का रखा जाता है, तब भी आपको इतना सारा सुनने को मिलता है। जरा सोचना, सारा सुनने को मिलेगा तो क्या हाल होगा आपका? आज मैं कह रहा हूं कि वशीकरण किया जा सकता है। पहले आदिकाल में वशीकरण जानवरों पर इस्तेमाल किया जाया करता था, जानवरों के इलाज के लिए, क्योंकि जानवरों को पकड़ करके दवाई खिलाना थोड़ा मुश्किल होता था। जानवरों को अपने काबू में कर करके उनका इलाज करना मुश्किल होता था। कोई सफसुई नहीं थी, कोई इंजेक्शंस नहीं थे, तो ये एक तरीका था कि जानवरों को सम्मोहित करके, सम्मोहन करके, वशीकरण करके, वश में करके इलाज किया जाया करता था। ये क्रम धीरे 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 कुछ इंसानों पर भी किया जाने लग गया। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, विज्ञान ने पैर पसारे, उसकी आवश्यकता कम हो गई। फिर लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? दुरुपयोग में धन बहुत मिलता है। जो धन के लोलुप लोग हैं, उन्होंने इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखो कमाल क्या हुआ कि अच्छे लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर बुरे लोग किसी को वश में करके कुछ बुरा काम करवा रहे हैं, किसी का घर तोड़वा रहे हैं, किसी का परिवार तोड़ रहे हैं, किसी का रिश्ता तोड़ रहे हैं, किसी का संबंध तोड़ रहे हैं, किसी का व्यापार तोड़ रहे हैं। लोग इन सब चीजों में इस्तेमाल करने लग गए और ये सब करने वालों में जो संख्या की बहुतायतता थी, वो जो गड़बड़ तांत्रिक है, वो जो मुल्ला मौलवी टाइप लोग हैं जिनको ज्योतिष का जा नहीं पता, उनके धर्म में भी ज्योतिष का कहीं इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद भी साहब वो अपने आप के आगे ज्योतिषी लगा लगा के, और जाने ही कितने। आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चले जाइए, भरे पड़े हैं, मतलब खूब ढेर सारे हमारे शहरों में भी आते, दुकानें लेते, थोड़े दिन तक अपनी दुकान चलाते हैं और किसी न किसी को लूटपाट के चलते बनते हैं। तो इन लोगों ने इस विषय को खूब खराब कर दिया, इसकी वजह से ज्योतिष बदनाम हो गया। खैर, इस पर फिर बात करेंगे। कहने का सीधा संबंध है, अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं, शुभ काम होते हैं तो अशुभ भी होते हैं, और वशीकरण सात्विक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। रामायण में भी इसके बारे में लिखा गया है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। तो शिव बाबा कहते हैं कि अगर आप मीठा बोले तो लोग आपके वश में हो जाएंगे, यानी माना तो उन्होंने भी है कि वशीकरण जैसी कोई चीज होती है। तो ये मान्यता को बहुत बल दिया गया है मंत्र विद्या, बहुत ज्यादा बल दिया गया है तंत्रोक्त विषय पे।
अघोर तंत्र में और अन्य अन्य बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में इसको बहुत सारा बल दिया गया है। अब हम सीधी बात करते हैं कि क्या किसी को वश में किया जा सकता है, वश में करने के लिए सामग्री क्या चाहिए। वश में करने के लिए सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए, एक गिलास जल चाहिए और एक चाकू चाहिए, सामने वाले की फोटो आपके मोबाइल में होनी चाहिए। सामग्री सिर्फ इतनी है। करने में समय कितना लगेगा? करने में समय मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। उफ, इतना सरल है तो हर कोई कर लेता। फिर हर किसी के पास तुम्हारे जैसा गुरु नहीं है, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारा गुरु इसका सदुपयोग करता है। उसका अंतर है, पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी प्रणाम, मैं बाराबंकी से बोल रही हूँ। मैं 4 महीने पहले आपकी संस्था से जुड़ी और मैंने अपने लिए पूजा करवाई। मैं आज के समय में बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा कष्ट में थी, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, चारों तरफ जैसे एकदम इतने तकलीफ से घिरे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने यूट्यूब पर आपके प्रोग्राम देखना शुरू किया और कुछ काम जो कुछ उपाय आप बताते रहे वो भी मैंने किया। धीरे धीरे थोड़ा सा मन शांत होने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर मैंने एक बार फ़ोन किया और आपकी संस्था से मैं जुड़ी। जैसे एक बार मन लगता था कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सबके हृदय में आता है, मेरे भी मन में बार बार आया। लेकिन आज के समय में मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे आके किसी का कैसा भी काम हो, कितनी भी कष्ट में कोई इंसान हो, गुरु जी सबके कष्ट हर लेते हैं। बस गुरु जी यही कहना है कि आप अपनी छत्र छाया मेरे सिर से कभी मत हटाइएगा, मुझे ये प्रेम, ये स्नेह, ये दुलार हमेशा देते रहिएगा। आपकी आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे और आपका हर संभव काम करा दे, ऐसी शुभकामनाएं। जीवन में प्रेम भरे और सब कुछ हो जाए। पता तुम्हारे साथ क्यों अच्छा हुआ? अच्छा इसलिए हुआ कि तुम अच्छे हो, अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि तुम सार्थक प्रयास कर रहे हो, अच्छा इसलिए हुआ तुमने विश्वास भरोसा करके आगे बढ़े, फोन किया, उपाय किया, सलूशन किया, जैसे बताया गया वैसा किया। गुरु पर विश्वास और भरोसा रखना ये भी अपने आप में सबसे बड़ा काम करवाने का माध्यम है। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम पर विश्वास किया और हमें काम करने का अवसर दिया। तो ओवरऑल कहने का बहुत सीधा बड़ा स्पष्ट तरीका कि मंत्रों में बहुत ताकत है, मंत्रों की शक्तियों से सब कुछ संभव है। अब आपको करना क्या है, एक ग्लास पानी लेना है, एक चाकू लेना है और अपने मोबाइल में उनकी फोटो लेना है। जो मोबाइल में आपने फोटो ली है वो अपने सामने रख लीजिए। ये काम आप कर सकते हैं भोर में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच और या तो रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच, दोनों में से कोई भी एक समय आप चूज कर लीजिए। फोटो सामने रखिए। अब आपको करना यह है, ग्लास अपने लेफ्ट हैंड में, चाकू राइट हैंड में पकड़नी है और 5 बार उनका नाम लेके जो मैं कह रहा हूं इसको दोहराते हुए उनका नाम लगा के चाकू घुमाना है और पानी में इस प्रकार से डुबाना है जैसे चाकू में कुछ लग गया था और आप धुल रहे हैं। सारे दोष समाप्त होंगे, उनके ऊपर कुछ किया कराया है तो समाप्त होगा, उनके मन में जो विकार आ रहे थे वो मुक्त होंगे और वो तुम्हारे वश में होंगे। अब क्या कहना है? मम वशम कुरु कुरु, मम वशम कुरु कुरु, संतम भवम स्वाहा, संतम भवम स्वाहा जरूर। ये बहुत कारगर मंत्र है और ऐसा बोल बोल के आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है, 21-51 बार भी किया जा सकता है, उससे पावर बढ़ जाती है। फिर निवेदन करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं करना, बहुत पावरफुल प्रयोग है, ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाता है। अब ये बचा हुआ जो पानी है इस चाकू को तो आप अपने धुल करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पानी है इसमें थोड़ा सा स्पिट कर देना, थोड़ा थूक दीजिएगा और किसी भी कांटेदार पेड़ में डाल दीजिए जाकर के। और कांटेदार पेड़ में डालते समय विशेष खास बात बोलनी है, शमशानी कलुआ तुम्हें मामा की आन, ऐसा बोल करके डाल देना है। बस इतना करते ही वशीकरण का बाप बनेगा ये प्रयोग। आप करके तो देखिए, यकीन मानो
दुनिया के 90% तांत्रिक ऐसे ही वशीकरण करवाते हैं और लाखों रुपए पैसे तुम खुद कर सकते हो। तो अपने पंडित पंजा पुजारी बाधा खुद बनो ना। रविवार मंगलवार का उपाय है, उस दिन करने से ज्यादा कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ काम करना, गुरु आदेश लेकर करेंगे तो आपका काम होने में संदेह समाप्त हो जाता है। खुश रहो, मुस्कुरा, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ध्यान रखो। प्रीवियस लाइफ मत बताना। पैसों का आदान प्रदान प्लीज बंद करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार लाना बंद कर दो ना। तुम्हारा ही काम खराब होता है इससे। बहुत मेहनत लगती है चीजें ठीक करने में। तुम जरा से चीज में खराब कर देते हो। मत करो इसे। अच्छे बच्चे को खूब खुश रहो, ध्यान रखो अपना। तुम्हें फिर से मजबूर कर रहा हूं वो सब सोचने में, वो सब चिंतन करने में जिसमें प्रेम का आनंद है। तो गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। नैपिड एस्ट्रोलॉजी के साथ 24 घंटे बने रहिए। LWA 24 घंटे चैनल चल रहा है आपका, इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए। पर जरूरतमंदों के सबके साथ जरूरतमंद लोगों को जोड़ना है। युवाओं की पहली पसंद बन रही है ये चैनल, आप भी हैं क्या उसमें से? एक तरीके ओम नमः शिवाय।